कभी सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से, कभी हौसले से, कभी सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से। संसार को दुश्वार जो बनाते हैं अपना मुकाम इंडिया, इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया। सलाम इंडिया, सलाम तने इतनी बड़ी लुगाई दिखी नहीं क्या? अंधा है क्या? भाई भाई मैंने दिखाई पड़ा, मैंने वो नहीं बताया और मैं चिल्लाया भी, पर इसने कुछ दुखाई सुनाई ना पड़ा तो मैं क्या करता बता। अरे भाई मेरा एक नहीं है तो सवारी तो पूछ रहे। भाई मैंने हॉर्न बजाया था ना, मैंने हॉर्न बजाया था ना। हाँ भाई हॉर्न तो बजाया था, ये बता मैं क्या करता। और ये जो कुछ हुआ है ना भाई, ये इतने बड़े घूंघट के कारण हुआ है। अरे जब आप लोगों को इतने बड़े घूंघट पे रोड पे दिखाई नहीं पड़ता तो आप लोग रोड पे चलते क्यों हो? अरे खुद तो मरोगे, मेरे जैसे शरीफ आदमी को जोड़ भिजवाओगे। अरे किसी पिटी परंपरा बंद क्यों ना कर देते आप लोग? ए भाई घूंघट औरतों की लाज होवे से बड़े इस लाज के कारण किसी लुगाई की जान चली जाए, पर आप लोग ये घिसी पिटी परंपरा बंद नहीं करेंगे। रोज इस घूंघट की वजह से औरतों के एक्सीडेंट होते हैं। ये तो भगवान का शुक्र है टेम पे ब्रेक लग गया, नहीं तो ऊपर चली जाती। एक काम करो भाई, अगर आप लोगों को ना अपनी लुगाइयों को घूंघट में रखना है तो घर में रखो, ऐसे रोड पे मत आन दो। और रोड पे आएगी तुम्हारी कोई गलती ना है, इसमें हम कुछ ना कर सके। घूंघट लाश शर्म के रूप में औरतों का गहना माना जाता रहा है, पर घूंघट के कारण औरतों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है इस बात का अंदाजा सिर्फ वही औरतें लगा सकती है जिन्हें घूंघट पहन के काम करना पड़ता है, क्योंकि आए दिन वो कई हादसों से गुजरती है। बरसों से चली आ रही इस प्रथा के खिलाफ, इस रिवाज के खिलाफ किसी को तो आवाज उठानी थी, और ये आवाज उठाई हरियाणा के जिंद जिले के साफीदो तहसील के गांव छापर में रहने वाली नीलम ने। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तो घूंघट ना निकालेगी? अरे किस सुबह सुबह पागलों जैसी बात करने लग गई? देख तने मेरे सामने जो कर दी बात से कर दी, पर माँ बापू से मत कर दियो, और हाँ माँ से तो बिल्कुल मत करियो। पर आपने देखा ना, घूंघट की वजह से उस औरत का एक्सीडेंट हो गया। पर वो मरी तो ना? जो मर जाती तो आप मुझे घूंघट हटाने की परमिशन दे देते। देखो जी मैं जानती हूँ कि आप क्यों मुझे घूंघट हटाने के लिए मना कर रहे हैं। मेरी घूंघट हटाने से आपकी इज्जत नहीं कम हो जाएगी। आप उन शहर की औरतों को भी तो देखिए, वो लोग कैसे बिना घूंघट के घूमती हैं, बाहर आती जाती हैं, फर्राटे से स्कूटर कार सब चलाती हैं। वो भी तो किसी के घर की बहू बेटी हैं, उनके घूंघट ना करने से उनके घर की इज्जत तो नहीं कम होती। मुझे घूंघट हटाने का शौक ना है, पर सच कहती हूँ घूंघट में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है।
बात तो ठीक से दिखाई तो ना देवे। सावित्री बहन जल्दी कर, घर जाके मने भैंसों का दूध बिगाड़ना है। तूने दूध निकालने की भी तैयारी कर ली? मैं तो आज तक भैंसों को भी चारा नहीं डाल लिया। अरे बहन तन्ने तो पता से ना, मरा आदमी ने दारू पीने की बुरी लत लगी से, इसलिए भैंसों का दूध बेच के घर चलाऊ हूँ। और वो मर जाने दूध ही सांझ होने से पहले ही आ जावे अपना फटफटिया लेके हॉर्न बजाने लगे। ले बहन मेरा हो गया, तू भर ले। साथ बदलने पड़ते हैं, हमें ये घूंघट निकालना पड़ेगा। पर ये घूंघट तो हमारी अर्थी के साथ ही जाएगा। चल मैं तुझे घर छोड़ देती, पानी ले आएगी। चल। अरे जल्दी से बहू चाय ले आ, सर दुखे जा रहा है। सुना है सतबीर की लुगाई को तूने कुएं में गिरने से बचा लिया है? माँ जी, अगर उसने घूंघट नहीं निकाला होता ना तो ये हादसा कभी नहीं होता। क्या मतलब से तेरा? माँ जी, उसकी चुनरी उसके गले में फंस गई। अगर चुनरी से उसका मुंह नहीं ढका हुआ होता तो सिर्फ चुनरी कुएं में गिरती, वो नहीं। तेरे कहने का मतलब यो है कि औरत को मुंह नहीं ढकना चाहिए? जी माँ जी, और आजकल वैसे भी जमाना नहीं रहा घूंघट निकालने का। शहर की औरतें घूंघट नहीं करती हैं। और मैं भी सोच रही हूं कि आज के बाद मैं भी घूंघट नहीं निकालूंगी। क्या कहा तन्ने? तू घूंघट निकालना बंद कर देगी? तू मुंह गाड़ के चला करेगी? अरे यो बात कहने से पहले तू खुद उस कुएं में पड़ के मर क्यों ना गई? अरे शर्म ना आई? देख रहा है तेरी लुगाई क्या बोल रही है? अरे सोहन, मने तेरी लुगाई के लक्षण ठीक ना लाग रहे। अरे सही ढंग से समझा दे इसे, जो मैं समझान लगी ना तो अच्छा नहीं होगा। और तू कान खोल के सुन ले इस बात को, आज तो तूने ये बात बोल दी, और दोबारा कभी ऐसी बात बोली ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे जब आप लोगों को इतने बड़े घूंघट पे रोड पे दिखाई नहीं पड़ता तो आप लोग रोड पे चलते क्यों हो? अरे खुद तो मरोगे, मेरे जैसे शरीफ आदमी को जोड़ भिजवाओगे। अरे घिसी पिटी परंपरा बंद क्यों ना कर देते आप लोग? ए भाई, घूंघट औरतों की लाज होवे से बड़े इस लाज के कारण किसी लुगाई की जान चली जाए, पर आप लोग ये घिसी पिटी परंपरा बंद नहीं करेंगे। तो ये घूंघट हटाते हैं। मेरा कहने का मतलब है,
हमेशा के लिए घूंघट हटाते। मेरी तरफ से तने पूरी आजादी है घूंघट हटाने की। सच? हाँ सच, पर बापू अम्मा जी को तने संभालना पड़ेगा। मुझ में तो हिम्मत ना है। मुझ में तो है, मैं सामना करूंगी उनका, वो भी बिना घूंघट के। अरे जल्दी कर ले बेटा, स्कूल में देर हो रही है, और अच्छे से पढ़ाई करना। अरे बहू, अरे कितना टाइम लगा रही से, बच्चा ने स्कूल में देर हो रही से। जी माँ जी, आई। आज खाना एक ही डब्बे में दिया है। दोनों आधी छुट्टी में साथ साथ मिलके खा लेना। जाओ। ठीक है ना, चले। चलो पापा। माँ का पार चढ़ा हुआ है, देख लेना। अरे यो के, आज दिमाग चूल्हे में झोंक आई के, जो बिना घूंघट के चली आई। माँ जी, आज से मैं घूंघट नहीं करूंगी। के कहा तने? वही जो आपने सुना माँ जी। मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं घूंघट नहीं लूंगी। अरे दो अक्षर पढ़ लिख के गई तू, तू तो सर पे बैठन लगी। अरे क्या दिक्कत से तने इस घूंघट से? माँ जी, मैंने कोई शौक से घूंघट नहीं हटाया है। आप भी जानती हैं कि घूंघट में कितनी तकलीफ होती है, काम नहीं कर पाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है, काम करने में कितनी मुश्किल होती है, ठीक से चल नहीं पाते हैं। आखिर कब तक हम इस घूंघट में रहकर तकलीफ झेलते रहेंगे? अरे इतनी भी तकलीफ नहीं होती है जितनी तू बता रही है। मैंने भी सारी जिंदगी घूंघट काट के बहुते काम किए हैं, सारी उम्र निकल गई, और आज भी मैं सारे काम करती हूँ घूंघट निकाल के, मुझे तो कोई तकलीफ ना हुई है। और तेरे ससुर के सामने आज भी जब कोई साथ होवे है तो मैं आज भी घूंघट काटती हूँ। अरे चल घूंघट निकाल छोरी। अरे क्यों खांस खांस के अपना गला खराब कर रहे हो? बहू ने घूंघट काटना छोड़ दिया है, अब ये महारानी घूंघट ना काटेगी, मुंह घाड़ के ही चलेगी। लाज शर्म सब बेच दी है। इसका दिमाग खराब हो गया है के? समाज में नाक कटवाएगी के? अरे दो भाइयों में उठना बैठना भी बंद हो जाएगा। उससे इसे क्या फर्क पड़े से? इसकी इज्जत तो न जा रही, इज्जत तो हमारी जा रही है। अरे बहू, कम से कम बुजुर्गों के सामने तो अपना घूंघट काट लिया करो। ससुर जी, जब आप मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करने आए थे तब तो ना आपने कहा कि बहू घूंघट काट के आ, तब भी आपको मुझे घूंघट में ही पसंद करना चाहिए था। उस वक्त तो कोई ना कहे है कि हम बहू को घूंघट में रखेंगे, इसीलिए घूंघट में ही पसंद करेंगे। तब तो एक नहीं, पांच पांच आदमी आते हैं बहू को देखने। अरे आप इसकी बातों में मत आओ, इसके मुंह लग के क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? आप तो अंदर जाके आराम कर लो जी, आने दो सोहन को, वो ही आके इसे ठीक करेगा। हमारी बात तो सुनती ही ना है अब। नीलम के इस कदम से घर में तूफान आ जाता है। सास ससुर एक तरफ खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ नीलम। नीलम उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश करती है, पर उनके पुराने ख्यालात उनके बीच में आ जाते हैं और वो समझना नहीं चाहते। पर हाँ, नीलम का पति सोहन
उसका पूरा साथ देता है, जिसके कारण नीलम के सास ससुर उन दोनों से नाराज होकर घर से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। नीलम जब गांव में बिना घूंघट किए निकलती है तो गांव की कुछ औरतें भी नीलम को देखकर घूंघट लेना छोड़ देती है, और ये बात आग से भी तेज गांव के हर घर में फैल जाती है। और फिर क्या था, नीलम गांव में पुरानी सोच रखने वाले लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाती है। अरे भाई, सुना तुम लोगों ने, बलिया राम की बहू ने घूंघट काटना छोड़ दिया है। अरे बात तो तेरी सही है, शक्ल तो देखने को मिलेगी ना, और साथ साथ टाइम भी पास हो जाएगा। क्यों भाई? पर भाई लोग, उनके साथ साथ गांव की कई औरतों ने घूंघट काटना छोड़ दिया है, और उनका देखा देखी अगर हमारी घर की बहू बेटियों ने भी घूंघट काटना छोड़ दिया तो। बलवंत, तेरी बात सही है, आजकल गांव की बहू बेटियां बगावत के लिए तैयार रहती हैं। इससे पहले हमारे घर की बहू बेटियां बिगड़े, नीलम पे लगाम लगानी पड़ेगी। तो फिर देर किस बात की, बुलाओ बलिया राम को पंचायत में। बलवंत, बलिया राम को अकेले बुलाने से कुछ नहीं होगा, उसके पूरे परिवार को भी बुलाना पड़ेगा। तो बुलाओ सभी को। हाँ बुलाओ, क्यों भाइयों, बुलाओ सभी को। जिस बात का डर था वो ही किया इस लुगाई ने। अरे पंचायत में बुलायो है, पंचायत में। इब तो मारी समझ में यो ना आ रही है कि मैं के बोल के वहां से पीछा छुड़ाऊंगा। ससुर जी, आपको पंचायत में जाने की कोई जरूरत ना सर, वहां जो भी कहना या करना होगा मैं कर लूंगी। अब पंचायत में भी जाएगी तू? अरे देख क्या रहा है तू, इब भी टाइम है, तोड़ दे इसकी टांग और बिठा दे घर पे, बची खुची इज्जत तो बच जाएगी। घूंघट हटाने से कोई इज्जत ना चली गई, और नीलम ने घूंघट हटा के कोई पाप ना किया है। नीलम, तू जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, तू करती रहे, इस पंचायत से तो मैं निपट लूंगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इतना बड़ा हो गया तू। अरे हम लोगों को पंचायत में नीचा दिखा के तू पंचायत से निपट लेगा? अरे शर्म कर सर, कुछ तो शर्म कर। अरे इस बुढ़ापे में हम लोग को क्यों नीचा दिखाने पर तुड़े हो तुम दोनों? अरे मेरी बात समझ ले, अगर इस पंचायत ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया तो क्या करोगे तुम? ऐसे कैसे हुक्का पानी बंद कर देंगे? अरे कानून नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? और अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो हम पुलिस के पास जाएंगे। ससुर जी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। अरे गलत ही काम किया है तूने, पर तने समझ नहीं आ रहा। अरे अब देख क्या रहे हो, यो लोग तो मानने वाले हैं नहीं। चलो हम लोग ही हरिद्वार जाके गंगा नहा लेते हैं। तू ठीक कह रही, अब यो दिन भी देखना पड़ रहा। चल भाग्यवान चल। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ, पर हमने जो आवाज उठाई है ना उसे दबने नहीं देंगे। अगर आज ये लोग हमें दबाने में कामयाब हो गए तो हम घूंघट से कभी नहीं निकल पाएंगे। नीलम बहन, तू चिंता को ना कर, हम सब थारे साथ हैं। पर यो तो पता होगी कन्ना के है। सोहन, हम देख रहे हैं थारी लुगाई ने घूंघट काटना छोड़ दिया है, और साथ में और भी लुगाइयों का बंद करवा दिया है। ये बिना घूंघट के मुंह उगाड़ के खड़ी है, गांव के लिए अच्छा है क्या? सरपंच साहब, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि औरतों को घूंघट काढ़ के काम करने में बहुत परेशानी हो गए। हमारी लुगाई को तो कदे ना हुए, तेरी लुगाई कुछ ज्यादा ना हो रही है। जितनी मारी लुगाई नु होवे ना उतनी आपकी माँ बहनों को भी होवे, पर आपको उनकी तकलीफ से क्या लेना देना, आपको तो घूंघट काढ़ के काम ना करना पड़े। सोहन, तू ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या? माफ करना सरपंच साहब अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हूं तो, पर मेरे ख्याल से नीलम ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही कदम है।
के सही कदम है, भूगाड़ को चलने को तू सही बता रहा है। अरे पर्दा लाज शर्म का प्रतीक होवे, लुगाई पर्दे में ही अच्छी लागे। अगर औरत पर्दे के पीछे अच्छी लगती है तो क्यों उसे खेतों का काम करने घर से बाहर निकलने देते हो? गोबर का तशाला सर पे उठा के क्यों उसे बाहर निकलने देते हो? पशुओं का चारा लाने, पानी भरने क्यों बाहर जाने देते हो? बोलो, क्यों औरतों को बाहर निकलने देते हो? अब कोई जवाब ना है किसी के पास। घर और बाहर दोनों जगह का काम औरत करे, और आप लोग यहाँ बैठकर हुक्का पियो और ताश खेलो। अगर औरत घर का गहना इज्जत है तो उसे इज्जत के साथ घर में रखो ना। मारी औरतें तो घर में काम करें, काम करने की जरूरत तो तुम जैसे औरतों को पड़े। जरूरत हमें पड़ती है, इसीलिए हमने घूंघट निकालना छोड़ दिया। थारे घूंघट हटाने से हमारी बहू बेटियों पर बुरा असर पड़ता है। तुम सब लोगों को घूंघट में ही रहना होगा। माफ कीजिए सरपंच साहब, अब घूंघट में हम काम नहीं कर सकते। आज तक तो करते आए हो, अब क्या फर्क पड़े? घूंघट हमने कोई शौक से नहीं उतारा है, घूंघट में चलना बहुत मुश्किल होवे। कितना मुश्किल होवे? कितना? अगर मुश्किल ना होवे तो घूंघट ओढ़ के चल के दिखाओ तो खबर पड़े। नीलम के इस हौसले को देखकर पंचायत के लोग जहाँ पर चुप हो जाते हैं, वहीं आदमी से डरकर घर बैठने वाली औरतें घूंघट हटाकर नीलम के साथ खड़ी हो जाती है। उसी दौरान सरपंच के चुनाव होने वाले थे और सरपंच का उम्मीदवार बनाकर नीलम को पूर्व सरपंच के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। नीलम को औरतों को घूंघट प्रथा से मुक्त करवाने के लिए गांव का सरपंच बनना ही था, इसलिए नीलम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात हर घर घर जाकर लोगों से मिलती रही, और लोग भी नीलम का हौसला देखते हुए नीलम के साथ चलते गए। पर नीलम को सबसे बड़ी चुनौती उसके खुद के घर से मिलने वाली थी। नीलम से नाराज चल रहे सास ससुर अभी तक नीलम के साथ नहीं हुए थे। बहू, तने के लाग रहे से चार लुगाइयां ने तेरी बातों में आके घूंघट काटना छोड़ क्या दिया? तो तू रणधीर के सामने सरपंच भी बन जाएगी। माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सरपंच जरूर बनूंगी। और ये सिर्फ दो चार औरतों की बात नहीं है, हर वो औरत जो अपने घर वालों की वजह से आज भी घूंघट निकालती है मेरे साथ है। देखना माँ जी, बहुमत के साथ सरपंच बनूंगी मैं। अरे बहुमत तो छोड़, जी तू सरपंच बन गई ना तो मैं के तेरे ससुर भी तेरा साथ देंगे। और तुझे क्या लाग रहा है कि हम तने वोट नहीं देंगे? हम वोट तो तने ही देंगे, बेशक तू हारे या जीते। सरपंच जी, पूरे गांव का दौरा करके आए हैं, पूरी तरह से हवा आप ही की तरफ है। जाड़ गांव, हर चुनाव की तरह इस बार भी सरपंच आप ही बनेंगे। इस बार मुझे सरपंच पर जाने दे। इस नीलम का गांव ना छोड़ाया तो तुम्हारा नाम रणधीर ना, इसका सर बहुत ऊंचा हो रहा है। जब देखो समाज सेविका बन के घूमती रहती है। अरे सरपंच जी, भगवान झूठ ना बुलाए, वो छोरी पूरे गांव में घूम घूम कर बोल रही है अगर इस बार मैं सरपंच बन गई तो पूरे गांव का नक्शा ही चेंज कर दूंगी और छोरियों के लिए 10वीं क्लास तक स्कूल खोलेगी। अरे सरपंच बढ़ेगी तब ना। चलो नीलम बहन, तू चिंता ना कर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने घर में दबे औरतों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पर हमारे ससुर का स्वभाव तो आप जानती हो ना।
जाने ही देंगे, पर ये बात मेरे ससुर तक नहीं जानी चाहिए, है ना माँ जी? जो थारे अंदर का डर है ना, यही खत्म करना है मुझे। बहू, महारा आशीर्वाद तो थारे साथ हमेशा रहेगा, बस एक बार तू सरपंच बन जा तो महारा ये घूंघट ओढ़ने का पीछा छूट जावेगा। माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो सरपंच तो मैं बनी। अच्छा निर्मला, मैं चलती हूँ। माँ जी, आप संभाल लेना, चिंता मत करना, बेहतर चलिए। ये मारे घर के लेने आए थे? के लेने आए थे का मतलब? वोट मांगने आए थे। तो तन्ने के का? मन ने के कहना है, जैसा आप बोलोगे वोट तो वही देना है। मन ने पता चला कि तन्ने नीलम को वोट दिया तो टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझे? नीलम को सिर्फ औरतों से ही नहीं बल्कि गांव में नए विचार रखने वाली पीढ़ी से भी बहुत वोट मिले, जिसके चलते नीलम ने अपने विरोधी रणधीर को भारी मतों से हराया। नीलम की जीत की वजह से नीलम के सास ससुर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे लोग नीलम के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब नीलम के सामने आए दिन नई नई चुनौतियां आने लगी और सबसे बड़ी समस्या थी गाँव में फैल रही नशाखोरी की समस्या। ले आ गया तेरा बापू, अब चैन से खाना भी नहीं खाने देगा। माँ तू रहने दे, बापू ने रोटी मैं डाल देती हूँ। अजय रोटी खाने का टाइम थोड़ी ना आया, अजय मने और दारू पीनी है। चल मने पैसे दे। कहाँ से लाऊं पैसे, कल ही तो दिए थे मैंने। मेरे से झूठ बोल रही है तू, मैंने देखा तने दूधी से पैसे लेते हुए। चल पैसे दे। हाँ तो घर में सामान ना डलवाऊं, इसकी स्कूल की फीस जमा ना करवाऊं मैं। अरे इस छोड़ी को पढ़ा लिखा के कौन सा डीसी बनाना तने, हैं? गेरना तो गोबर किसी के घर का। क्यों गेरेंगे गोबर? हाँ डीसी वीसी ना बन तो क्या हुआ, शहर जाके छोटी मोटी नौकरी तो कर ही सकते है ना। शहर जाके नौकरी करेगी तू मेरे होते हुए? अरे गांव वाले क्या बोलेंगे, देख सतबीर की छोरी शहर में जाके नौकरी कर रही है, ना कटवाएगी मेरी तू। मने पता है ये सब इस चुड़ैल के कारण हो रहा है, आज मैं चुड़ैल की जान ले लूंगा। बापू तन्ने मेरी माँ को बहुत मारा, अब हाथ तो ला के दिखा। मने बेरा के ये सब उस सरपंचनी के कारण हो रहा, देख लूंगा उसे और साथ में तुम दोनों को भी। बात करती है। माँ पड़े रहने दे उन्हें। अरे बेटा कैसे भी है तो तेरा बाप ही ना, ऐसे बाप से तो अच्छा हम बिना बाप के होते, कम से कम मेरी माँ को सुख की नींद तो मिलती। क्या? क्या? पति मारे पीटे या गाली क्यों ना दे, पति की सेवा करना इनका फर्ज है, चाहे ये मार सह के भी क्यों ना करे। जैसा कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि गांव को नशा मुक्त करवाएंगे। हमने शराब का ठेका बंद करवा दिया ना वीरवान जी, आपको याद होगा कि वादा गांव को नशा मुक्त करवाने का था, ना कि ठेका बंद करवाने का।
अब नशा करने वाले बाहर से नशा करके आने लगे हैं। हमें उन्हें समझाना होगा कि नशा ना सिर्फ शरीर को बल्कि परिवार को भी बर्बाद करे है। नीलम बहन, आप कहे तो बिल्कुल सही रही है। इस शराब ने तो नौजवान पीढ़ियों को तो भट्टा ही बिठा दिया है। इसीलिए अब हमें नशा करने वालों को समझाना होगा। पर कैसे? नशा बुरी चीज है, राई की ये बीज है, नशा बुरी आदत है, राई की ये आफत है, नशा करोगे जल्दी मरोगे, नशा बुरी चीज है, राई का ये बीज है, नशा बुरी आदत है, राई की ये आफत है, नशा करोगे जल्दी मरोगे, नशा करोगे जल्दी मरोगे, नशा करोगे जल्दी मरोगे। सरपंच जी, जिस रफ्तार से ये जा रही है, मने तो लगता है बहुत जल्दी एमएलए भी बन जाएगी। अरे ये एमएलए क्यों, प्रधानमंत्री बन जाएगी। पर मैं इस 5 साल तक सरपंच नहीं रहने दूंगा। देखो बहनों, अब हमारे गांव में तो शराब नहीं मिलती, लेकिन ये शराबी लोग बाहर से पीकर आते हैं। अब हमें इन शराबियों को बाहर से शराब पीकर आने या लेकर आने से रोकना होगा। ये जो सड़क बाहर से हमारे गांव के अंदर आती है, हमें वहां पहरा देना होगा। क्यों? हाँ, ठीक है। चाची, हम आपके पास एक उम्मीद लेकर आए हैं। हम लोगों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है, और घर वाले कह रहे हैं कि इतना दूर जाने की कोई जरूरत ना है, स्कूल छोड़ दें। अगर आप ही गांव में 10वीं तक का स्कूल बनवा दो तो हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं कल ही शहर जाकर डीसी से मिलती हूँ। मैं तो चाहूंगी कि हमारे गांव में 10वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल हो। क्या बात कही है सतवीर, मजा आ गया। सतवीर, तुम मेरा पक्का दोस्त है। वो तो अच्छा, काम करते हैं। हाँ। पहले घर चलते हैं। हाँ। वहां से पैसे लेते हैं और फिर एक एक पैक और पीके। भाई सतवीर, मजा आ गया यार। दारू पीके आए हो? तो आप लोग इस गांव में नहीं आ सकते। अब आना कल सवेरे जब दारू उतर जावे। तू कौन हो रे मना करने वाली? गांव की पंच, और यो हुकुम हमारी सरपंचनी का है। कि गांव में किसी पीने वाले की ना एंट्री नहीं है, और चाहे वो कोई भी हो। सप्रीम। सरपंचनी केरी पर निकला। हाँ तो क्या सोच रहे हो, काट दोगे? ये दोनों टांगे काट कर हाथ में नहीं दे दी ना तो बोलना मुझे। तू यहाँ क्या कर रही है?
तेरी इज्जत। के तेरी तो पीछे के समझ रखा है, हाथ तो लगाओ उसे, हाथ तोड़ के ना फेंक दूं तेरे में। थारी लुगाई है तो कुछ भी बोलेगा। एक बार तुम दोनों कान खोल के सुन लो, इस गांव में किसी भी शराबियों की एंट्री बंद है तो बंद है, समझे? सतवी चल दूसरे रास्ते से। ये गांव की औरतें भी कमाल कर रही हैं, हमें गांव में घुसने नहीं दे रही। अरे सतवी उनको क्या मालूम कि हम लोग दूसरे रास्ते से चले। फिर आ गए। किसी भी रास्ते से आइए, शराबियों को गांव में नहीं आने दिया जाएगा। तो हम लोग दारू पीकर किधर से जाएं? ससुर जी आप शराब पीते हैं क्यों, जबकि आपके शरीर और परिवार दोनों के लिए हानिकारक है? अरे छोड़ क्यों नहीं देते आप? ओ मारी बहू, तने शर्म नहीं आती? मारे सामने मुंह गाड़ के खड़ी है। शर्म तो आपको आनी चाहिए ना, आप ये सब करते ना आपकी बहू को ये सब करना पड़ता। आप भी चैन से सोते और हम भी चैन से सोते। अरे तो रोका किसने है? आप भी जाके चैन की नींद सोओ और हमें भी जाके चैन की नींद सोने दो, पीछे दो। कहा ना शराबियों की गांव में नो एंट्री, अब सवेरे ही आना। तू सरपंच है तो कुछ भी करेगी हाँ? ये मत भूल कि सरपंच के खिलाफ भी पंचायत बुलाई जा सकती है, समझे? जो करना है कल सवेरे करना, जाओ जाओ। सतवी लगता है कि हम लोगों को आज गांव के बाहर ही सोना पड़ेगा। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। याद रखना तेरे खिलाफ पंचायत बैठा के रहूंगा। हाँ मैं भी बैठाऊंगा, बैठा के रहूंगा। भाइयों गांव के फैसले आज तक गांव के सरपंच लेते आए हैं, लेकिन आज खुद गांव के सरपंच के खिलाफ यह पंचायत बैठी है। इसलिए हमने दूसरे गांव से सरपंच को यहां बुलाया है। सरपंच साहब आप ही फैसला कीजिए कि गांव के लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, क्या यह सही है? पहले तो मैं हमारे भूतपूर्व सरपंच जी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूं, जिनकी वजह से आपको यहां आना पड़ा। सरपंच जी एक बात बताइए, क्या गांव में नशाबंदी करना गलत बात है? कई राज्यों की सरकार ने नशाबंदी करके रखी है, तो क्या उन्होंने गलत किया है? और अगर उन्होंने गलत किया है तो हमने भी गलत किया है। नीलम जी आपने जो किया है ना वो बिल्कुल सही किया है। मैंने ना पता था कि ये बात है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये गांव में आता भी नहीं। मन ने माफ करना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। नीलम जी
आपको आपके गांव के लिए जो सही लगे वही आप करना। गांव वालों में शराब बंदी अपने गांव का भला करने के लिए की है। मैं नहीं चाहती कि हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी इस लत का शिकार बने। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस काम में गांव वाले मेरा साथ देंगे। नीलम ने अपने गांव के विकास के लिए दिन रात एक कर दिए थे। गांव की गलियों को पक्का करने के साथ साथ उसने गांव के लोगों को नशा करने से भी बचाया। नीलम के कार्यों की चर्चा अब तक मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुकी थी और मुख्यमंत्री जी ने भी उसके कार्यों की सराहना करते हुए उसे सम्मानित भी किया। नीलम ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में गाँव की भलाई के लिए इतना काम किया जितना काम गाँव के सभी सरपंच मिलकर अब तक भी नहीं कर पाए थे। नीलम के कारण गांव की कुछ औरतों को घूंघट प्रथा से छुटकारा मिल चुका था और साथ ही साथ गांव की लड़कियां जो आगे पढ़ नहीं पा रही थी उन लड़कियों को नीलम ने अपने घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। नीलम जैसी शख्सियत को हमारी तरफ से सलाम इंडिया। मैं नीलम सरपंच हरियाणा से गांव छापर में रहती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मैं अभी घूंघट में बंदी रहने वाली एक आम नारी की तरह जिंदगी व्यतीत कर रही थी। घूंघट में रहकर मुझे काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था लेकिन फिर भी जिंदगी को जैसे तैसे जी रही। लेकिन एक बार सफीदों हॉस्पिटल के सामने मैंने एक हादसा होते हुए देखा। घूंघट की आड़ में एक औरत रोड क्रॉस कर रही थी तो उसको मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी, वो जोर से गिर गई। तो वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने उसका मजाक बनाया कि क्या घूंघट करना ज़रूरी था। तो वही लोग जो हमें समाज में रहते हुए घूंघट करना जरूरी है, ऐसी बंदिश में रहना जीना सिखाते हैं और वही हमारा मजाक बनाते हैं। तो तब मैंने ठाना कि ज़रूर इस घूंघट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी और मैंने गांव में आके एक मुहिम शुरू की। घूंघट प्रथा के खिलाफ लोगों को, महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया। पहले शुरू में तो काफ़ी महिलाएँ मेरे खिलाफ़ थी, जो महिलाएँ थी वो राजी नहीं हो रही थी कि घूंघट खोलना चाहिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि गांव में 70% महिलाएं जो हैं घूंघट खोल चुकी हैं और यहाँ पे बेटियों के होने पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है दूसरे स्कूल में कॉलेज में। तो काफ़ी अच्छी जो है बदलाव मैंने मेरी कोशिश के कारण लाया है। मैं चाहती हूँ कि ये बदलाव पूरे हरियाणा में पूरे समाज में आए, यही जागृति में लाना चाहती हूँ।